हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 7 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओबीयू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर एंड ओब्यूलर स्ट्रक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम फ्यूनिकल और प्लेसेंटा एंड डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स माइक्रोपाइल। तो हम एक पिस्टल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कार्पेल का स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ओवरी दिखाई दे रही है, ओब्यूल दिखाई दे रहा है, और ये पॉलन ट्यूब है, ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है। इसी प्लेसेंटा या फ्यूनिकल से एक आउटग्रोथ निकलता है। ये देखिए, ये आउटग्रोथ है। ये आउटग्रोथ इस पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइल के तरफ जाने के लिए डायरेक्ट करता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्यूनिकल और प्लेसेंटा से निकलता है, जो पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करता है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ टूवर्ड द माइक्रोपाइल हो, ऐसे स्ट्रक्चर को ऑब्टूरेटर नाम देते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्यूनिकल से या प्लेसेंटा से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंडोथीलियम। व्हेन न्यूसिलस डीजनरेट्स द सेल्स ऑफ इनर इंटेगमेंट बिकम न्यूट्रिटिव एंड दिस स्पेशलाइज न्यूट्रिटिव टिश्यू इज कॉल्ड इंटेगमेंट्री टैपिटम। मिलता का मेंबर ऑफ स्ट्रेसी फैमिली और कंपोजिटी फैमिली। तो एंडोथीलियम, देखिए हमारे पास एक ओव्यूल स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के चारों तरफ की प्रोटेक्टिव कवरिंग टैप, ये आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम इंटेगमेंट नाम देते हैं, आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट। दिस इज द बॉडी, बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की बॉडी को न्यूसिलस नाम देते हैं। न्यूसिलस पैरेन्काइमेटस होता है, पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोर करना। तो यदि ये डीजनरेट होती है तो ये जो इनर इंटेगमेंट है, इनर इंटेगमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव लेयर के जैसे बिहेव करता है, इसीलिए इसको इंटेगमेंट्री टैपिटम भी नाम देते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को एंडोथीलियम नाम देते हैं। ये मिलता है मेम्बर ऑफ कंपोजिटिव फैमिली और एस्ट्रेसी फैमिली। नाउ मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस देखते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस तो देखते हैं, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर की ये मेन बॉडी है, और मेन बॉडी को हम नाम देते हैं, इस मेन बॉडी को न्यूसिलस नाम देते हैं। तो न्यूसिलस की टिप की सेल, ये टिप है, टिप मतलब माइक्रोपाइलर रीजन की सेल। ये एक सेल आपको साइज में बड़ी होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म प्रोमिनेंट लार्ज साइज न्यूक्लियस मिलता है, इस सेल को नाम देते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। तो न्यूसिलस की माइक्रोपाइलर टिप की सेल आर्चिस्पोरियल सेल डिफ्रेंशिएट होती है, उस सेल को आर्चिस्पोरियल सेल नाम देते हैं। ये सेल आपको डिवाइड होकर के इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है, आउटर पेराइटल सेल बनाती है। एंड पेराइटल सेल डीजनरेट हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल अंडर गो मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राप्ट ऑफ मेगा स्पोर। चार सेल बनेगी, चारों लीनियरली एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे, इसको बोलते हैं लीनियर टेट्राप्ट ऑफ मेगा स्पोर। तो याद रखेंगे कि न्यूसिलस की माइक्रोपाइलर रीजन की सेल डिफ्रेंशिएट होके आर्चिस्पोरियल सेल कहलाती है, और आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होके इनर के इनर तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है, आउटर पेराइटल सेल बनाती है। पेराइटल सेल डीजनरेट हो जाती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज द मेगा स्पोर मदर सेल, एंड मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर। चलिए एक फिगर देखते हैं। एक फिगर देखते हैं। फिगर में दिखाया जा रहा है एक न्यूसिलस है, और न्यूसिलस की एक टिप की सेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है, डिफ्रेंशिएट हो करके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म, और ये आपकी सेल आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होकर के आउटर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती है, इनर टूवर्ड्स द इनर साइड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ये डीजनरेट हो जाती है, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज द मेगा स्पोर मदर सेल। ये कैसे बिहेव करेगी, मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे बिहेव करेगी। अब मेगा स्पोर मदर सेल्स, दिस मेगा स्पोर मदर सेल
अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म लीनियर टेट्रा मेगा स्पोर्स. ये आपका मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड हो करके कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, जिससे चार सेल, चार मेगा स्पोर्स बनेंगे और लिनियरली एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हैं, तो इसको बोलेंगे लीनियर टेट्रा ऑफ मेगा स्पोर. तो मेगा स्पोर के माइक्रोपाइलर रीजन की तीन सेल, ये तीन सेल आपको दिखाई दे रही है, तीन मेगा स्पोर्स जो दिखाई दे रहे हैं, थ्री मेगा स्पोर्स आर डीजनरेट एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू द वन मेगा स्पोर. तो अब ये तीनों डीजनरेट होकर के एक ही मेगा स्पोर को न्यूट्रिशन दे देते हैं, तो इस वाले मेगा स्पोर को बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर और ये क्या हो गए, डीजनरेटिंग मेगा स्पोर्स. चलिए एनसीईआरटी का फिगर देख लेते हैं. एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक एक सेल है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ये हो गई मेगा स्पोर मदर सेल. मेगा स्पोर मदर सेल में कह रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल लार्ज साइज सेल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. इसका फीचर क्या है, लार्ज साइज सेल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. तो देखिए मेगा स्पोर मदर सेल ये दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, इसके चारों तरफ की जो सेल है वो किसकी सेल है, न्यूसिलस की सेल है. ये किसकी सेल है, न्यूसिलस की सेल है. और इधर वाला रीजन क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइलर. और इधर रीजन क्या कहलाएगा, बेसल रीजन, चैलेजल रीजन. टिप का रीजन होगा माइक्रोपाइलर रीजन और ये होगा चैलेजल रीजन. एंड दिस मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनोसिस भी होगी, साइटोकाइनेसिस भी होगी, मतलब वाल का फॉर्मेशन भी होगा. इसमें दो सेल्स बनेंगी, मियोसिस फर्स्ट होने से दो सेल्स बना, तो ये सेल्स क्या होगी, मेगा स्पोर डायड. ये हो गए दोनों मिलकर के मेगा स्पोर डायड बना लिया, दो सेल बनी, मियोसिस फर्स्ट हुआ, दो सेल बनी, रिडक्शन डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या हो गए, हाफ हो गए, ये टू एन थो तो इसमें एन हो जाएगा. ये सेल सेप्लाइड होंगी और ये सेल क्या होगी, डिप्लाइड होगी. तो ये आपको चारों तरफ से सेल किसकी दिखाई दे रही, न्यूसिलस की सेल. एंड दिस टू सेल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड सेल्स, अंडरगो मियोसिस सेकेंड. मियोसिस सेकेंड में भी कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, तो इससे भी दो सेल बनेगी, इससे भी दो सेल्स बनेगी, बट यहाँ इक्वेशनल डिवीजन होगा, जिससे ये माइटोसिस के जैसे डिवीजन होगा. यहाँ से दोनों सेल बनेगी, वो दोनों सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी. यहाँ से दोनों सेल बनेगी, वो दोनों सेल क्या होगी, हैप्लॉइड होगी. तो नेक्स्ट फिगर देखते हैं, तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग को दिखाई देगा कि ये बन गई चार सेल. इस सेल से दो सेल बन गई, इस सेल से दो सेल बन गई, चार सेल्स बन गई. और ये चार सेल एक दूसरे से लीनियरली अटैच्ड हैं, लीनियरली आपको अरेंज्ड हैं और एक दूसरे से अटैच्ड हैं. तो ये हो गई आपके पास लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर. ये मेगा स्पोर हो गई, लीनियर टेट्राड हो गई, चारों सेल्स क्या होंगी, हैप्लॉइड होगी. तो इसमें आपको एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेगा गैमिटोजेनेसिस. थैंक यू.